यह धरना कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पेंशनर मंच के बैनर तले आयोजित किया गया है। हम लोग अपनी पुरानी मांग, पुरानी पेंशन जैसी जो ज्वलंत समस्या है, उस मांग को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार से कई बार निवेदन अनुरोध कर चुके हैं और उस कड़ी में हम लोगों ने 5 अक्टूबर को जिला अस्पताल प्रांगण से मोटरसाइकिल जुलूस निकाल करके उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपा था और निवेदन किया था कि समय रहते हम लोगों की समस्याओं का निदान करा दिया जाए, अन्यथा की स्थिति में टकराव होना निश्चित है। अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसी कड़ी में आज हम यहां पर एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में इस कर्मचारी शिक्षक अधिकारी मंच के सम्मानित अध्यक्ष ब्रजेश पांडे जी हैं, उनके जिला मंत्री गजेंद्र वर्मा जी हैं, माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शुक्ल छुन्ना भैया हैं और बहुत सारे शिक्षक और कर्मचारियों के संगठन आज यहाँ पर अपनी शिरकत किए हैं। और हम उत्तर प्रदेश सरकार से पुनः एक बार मांग करते हैं कि समय रहते हमारी पुरानी पेंशन और जो कैशलेस चिकित्सा और शिक्षा मित्र अनुदेशक और रसोइये जैसी जो व्यवस्थाएं हैं, इनको तुरंत इनको न्याय दें, अन्यथा की स्थिति में हम लोग 30 नवंबर को लखनऊ की राजधानी इको गार्डन में महाविशाल पंचायत रैली कर करके उत्तर प्रदेश सरकार से दो दो हाथ करके, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती तो हम सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन करें।